जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शहज़ाद और आप देख रहे हैं खान स्क्वाश टिप्स चैनल। आज की एक मुनफरद वीडियो दूसरी मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि मरियम मलिक के ऊपर ही है। इससे पहले जब वो ट्रेनिंग कर रही थी और उसके क्या परफॉर्मेंस थी, जब इसने लास्ट टूर्नामेंट जो जूनियर का खेला था अंडर 19, उसमें फ़ाइनल का टाइटल विनर किया, और विनर करने के बाद इसने जूनियर कैटेगरीज़ को बाय बाय किया। उसके बाद इसका जब टूर्नामेंट सीनियर में पहला टूर्नामेंट आया, वो दिसंबर में आया है, जो कॉम्बैक्स कराची में खेला गया है। कराची में खेलने वाला ये सीनियर टूर्नामेंट मरियम मलिक का सेमीफाइनल के राउंड तक पहुंचा, और सेमीफाइनल के राउंड में नूरुल ऐन के साथ था इसका। वो प्लेयर अच्छी प्लेयर है और बहुत अच्छा खेलती है। उसके साथ जब इसका सेमीफाइनल आया तो बड़ी मुश्किल से 3-2 पहुँच कर, यानी कि 3-2 ये हार गई, रनर अप रही सेमीफाइनल में। उसके बाद ये जब वापस मेरे पास आई तो इसकी मैंने तमाम कमज़ोरियों के ऊपर बहुत हाईलाइट्स, ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स और एक स्ट्रेटजी के मुताबिक मैंने ऐसी इसको ट्रेनिंग दी कि अगर इन केस फ्यूचर में हो सकता है इसका मैच दोबारा इसी लड़की के साथ आ जाए तो इसने उसको कैसे रिकवर करना है। तो एक्सीडेंटली इस PSF नेशनल वुमेन सीनियर्स का ये टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत हुआ। इसमें इसकी कारकर्दगी आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, मैचेस भी इसके। तो इत्तेफाक से ये मैच भी उसी प्लेयर के साथ इसका फ़ाइनल आया, और इसमें इसका रिज़ल्ट, ये जो 20 दिन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद इसका रिज़ल्ट सामने आया। तो मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक उसकी गेम फिर भी इतनी परफेक्टली नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसने स्कोर 3-0 विन किया फ़ाइनल। और चलिए अब हम चलते हैं और मरियम मलिक से उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो क्या कहती हैं इस टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी कैसी रही। जी तो मरियम मलिक, अब बताइए कि आपका ये टूर्नामेंट कैसा रहा? ये मेरा फर्स्ट सीनियर टाइटल है जो मैंने उठाया है नेशनल सीनियर का। इससे पहले मैंने जूनियर खेला है, मैंने उसका टाइटल लिफ्ट किया था, और ये मेरा फर्स्ट सीनियर है जो मैंने उठाया। और अभी रिसेंटली इसी मंथ मैंने कराची में एक नेशनल CNS ओपन खेला था, कॉम्बैक्स नेशनल ओपन, उसमें मैं सेमीफाइनल में हारी थी उसी ओपोनेंट से जिससे इस बारी मेरा फाइनल था। उस टूर्नामेंट में मैं 3-2 से हारी थी, 2-1 अप होने के बावजूद मिस्टेक्स की वजह से हार गई थी। फिर वापस आई हूँ, फिर मैंने अपने कोच के साथ ओवरऑल मेंटल और फिजिकल सेशन लगाया, और अपनी जो जो मिस्टेक्स थी इन कोर्ट और गेम में उन मिस्टेक्स को ठीक किया है। और उसकी वजह से ये जो 20 डेज की जो सेशन लगा हुआ था उसकी वजह से अब जब मैंने दोबारा सीनियर ओपन खेला तो उसी ओपोनेंट के साथ मेरा फाइनल था, और उसमें मैंने उसको 3 स्ट्रेट गेम्स में हराया। थैंक यू सो मच। वेलकम। और आप? जी ये मैं पहली दफ़ा अंडर 19 खेला है, बाकी मैं अभी 15 से आउट हुई हूँ, तो 15 के मैंने 2 टाइटल उठाए हैं, और ये सारे मेरे फाइनल तक आने के सारे मेरे कोच आज़ाद की मेहनत है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग कराई और उनकी सारी मेहनत। इंशाल्लाह आगे भी हम मेहनत करेंगे और इसी तरह एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छे अच्छे टाइटल उठाएंगे।